हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर, राजस्थान से। मैं आज आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाह रहा हूं। वो पिछले 10 साल से एंजाइटी की बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रहा। पहले मैं ये बताता हूं उसको बीमारी क्या है। वो मार्केटिंग का जॉब करता है, लगभग 30 साल का है। जब भी वो मार्केटिंग के जॉब के लिए जाता है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, उसको बेचैनी होती है, पसीना आता है, मुंह सूखता है, उसको डर लगता है, उसको लगता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन ले जाएगा हॉस्पिटल, इस तरह की कोई समस्याएं उसको रहती है। घर के बाहर क्या, अगर वो घर के अंदर रहता है तो भी उसकी धड़कनें बढ़ी रहती है, उसको बेचैनी रहती है, उसको सारे एंजाइटी के लक्षण आते हैं, उसको हाथ पांव कांपते हैं, पसीना रहता है, बेचैनी रहती है, बहुत दुखी रहता है पूरे दिन भर घर में भी, लेकिन बस वो अपने आप को बस बिस्तर में समेटे रखता है, वो डॉक्टर के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। समस्याओं की वजह से पिछले 10 साल से वो ग्रस्त है। वो आज से लगभग 8-9 साल पहले मेरे पास आया था ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आप ठीक हो जाएंगे। उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। थोड़े दिनों बाद, लगभग 1-2 महीने बाद में उसके लक्षण धीरे धीरे करते करते कम हो गए और वो धीरे धीरे वापस अपने काम पे लौट गया और वो मार्केटिंग का काम ढंग से करने लग गया। जैसे ही उसको लगा कि मैं अब तो नॉर्मल हो गया, मेरी दिनचर्या नॉर्मल होने लगी, मेरा डर कम हो गया, मेरी धड़कन जो बढ़ती थी, जो मेरा पसीना आता था, जो मुझे डर लगता था घर से बाहर जाने में या घर के अंदर भी डर लगता था, वो डर मेरा धीरे धीरे अब खत्म हो गया है और वो धीरे धीरे अपने काम पर लौट गया, तो उसने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी। जैसी दवाइयाँ बंद करी, कुछ दिन ठीक रहा, कुछ सप्ताह ठीक रहा, 1-2 महीने बाद में धीरे धीरे उसको वापस डर लगने लग गया और उसकी धड़कन वापस बढ़ने लगी। फिर वो वापस अपने घर में ही रहना शुरू कर देता था, वो घर से बाहर नहीं निकलता था, उसकी बीवी परेशान हो जाती थी, उसको कह कह करके जाओ मार्केटिंग पे जाओ, अपना काम करो, अपनी सेल्स करो, लेकिन वो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाता। क्यों, जैसे ही वो खड़ा होता था, जैसे ही वो बाहर जाता था, घर से बाहर कदम लगता था, वैसे ही उसको जो है वो एंजाइटी होने लग जाती थी, उसको डर लगने लग जाता था, उसको घबराहट होने लग जाती थी, तो वो घर से बाहर नहीं जा पाता था और वो अपने कमरे में ही कुछ दिन, कुछ सप्ताह, महीनों तक अपने कमरे में पड़ा रहता था। फिर जब उसको लगता था कि बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, फिर वो अगले साल मेरे पास फिर आता था, फिर मैं दवाई चालू करता था, उसकी काउंसलिंग करता था, उसको समझाता था, वो फिर दवाई चालू करता था, मरीज फिर 1-2 महीने में ठीक हो जाता था, फिर वही साइकिल। तो जैसे ही ठीक होता था वो अपनी दवाइयाँ बंद कर देता था और जैसे ही अपनी दवाइयाँ बंद करता था उसके कुछ सप्ताह बाद में उसको लक्षण वापस आने लग जाते थे और फिर वापस वो परेशान होने लग जाता था। अब ये साइकिल पिछले 8-9 साल से चल रहा है। वो साल में 2 बार मेरे को दिखाने के लिए आता है पेशेंट्स, मेरी एडवाइस बिल्कुल फॉलो नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ मेडिसिन जो है, जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर लो, इसकी आपको आदत नहीं पड़ेगी। शुरू में आपको 2-3 तरह की दवाइयाँ लिखी है, फिर धीरे धीरे मैं उसको कम करते करते एक मेडिसिन पे ले आऊँगा, फिर वो एक मेडिसिन भी धीरे धीरे हम आपको कम कर देंगे, लेकिन वो उसको ऐसा लगता है कि उन दवाइयों की उसकी आदत पड़ जाएगी। तो वो इस डर से कि मेरे को मेडिसिन की आदत पड़ जाएगी, वो एक साल में कम से कम 8-9 महीने अपने घर में ही बिताता है, वो बाहर नहीं जाता। मैं उसको समझाता हूँ कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर धड़कन बढ़ती है, बेचैनी होती है, तो भी तुम रनिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए बाहर जाओ, रनिंग करने के लिए बाहर जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल उनके ऊपर बढ़ेगा, तुम्हारी एंजाइटी धीरे धीरे कम होगी। मैं उसको बोलता हूँ कि जैसे तुम्हारी धड़कन बढ़ती है या तुम्हें जो डर लगता है, फिर भी रोज तुम अपनी मार्केटिंग पे जाया करो, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में आपका ये डर जो है वो धीरे धीरे एक्सपोजर के साथ में खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अपने डर से डर जाता है, वो जैसे उसकी धड़कन बढ़ने लग जाती है वो डर जाता है, जैसे उसको फियर डेवलप होने लग जाता है वो करेज नहीं कर पाता, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो बाहर जाए और अपनी मार्केटिंग करे, वो अपने आप को समेट करके अपने घर में बैठा रहता है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम योगा प्राणायाम करा करो, तुम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति करा करो, ये करने से भी, इस प्राणायाम करने से भी आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम होगा, लेकिन वो इन चीजों को फॉलो नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम अपने हॉबीज में टाइम स्पेंड करो, अगर तुम घर से बाहर नहीं जा पाते तो तुम अपनी वाइफ के साथ में उसके
डेली रूटीन का काम होता है, खाना बनाना या साफ सफाई करना है, डस्टिंग करना है, बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, उसके अंदर टाइम स्पेंड करो। लेकिन नहीं, वो हमेशा अपने आप को अपने कमरे में बिस्तर में समेट के रह जाता है। बस उसको यही डर लगा रहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, और मेरे को जो है वो डर लगता है मैं काम कैसे करूँगा। बस उसी चिंताओं में, उसी विचारों में वो है पूरा दिन अपना खराब कर लेता है, और इसी तरीके से महीनों से वो अपने बिस्तर में लेटा रहता है। जब अचानक कोई उसकी सिस्टर आती है, या उसको बीवी उसको बहुत ज्यादा ही ताने मारने लग जाती है, या खुद उसको ज्यादा ही लग जाता है, तब वो जाकर के वापस डॉक्टर के पास आता है। क्योंकि डॉक्टर के पास आने के लिए भी उसको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता तो वो डॉक्टर के पास तो कैसे आए, तो उसके लिए भी उसको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। और फिर वो मेरे पास आता है, फिर मैं मेडिसिन लिखता हूँ, कुछ सप्ताह में वो वापस ठीक हो जाता है, अपने काम पे लौट जाता है, लेकिन फिर वो मेडिसिन बंद कर देता। और मेरी जो भी सलाह मैं देता हूँ उसको, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करने की, अपनी हॉबीज में टाइम स्पेंड करने की, घर के काम काज में हेल्प करो या एक्सरसाइज करो, या ये कोई भी जो है वो मेरी एडवाइस को फॉलो नहीं करता। और एक बात हमेशा मैं हर बार उसको समझाता हूँ कि ये डर जो है ये डराता है, लेकिन ये आपका नुकसान कभी नहीं करेगा, ये एंजाइटी आपका नुकसान नहीं करेगी, ये एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है जो हर एक इंसान के साथ में होता है। बस आपको अपनी एंजाइटी पे जीत हासिल करनी है। आपको कितनी भी एंजाइटी हो, आपको कितना भी डर लगे, आपको अपने काम पे जाना ही है, अपना डेली रूटीन मत छोड़ो। वो हमेशा मैं उसको समझाता हूँ, खाना पीना, नहाना धोना, अपने रूटीन काम पे जाना, शाम को वापस आना, खाना खाना, बढ़िया बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और सो जाना, इस रूटीन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। चलिए भले आपको कितनी भी एंजाइटी हो, कितनी भी बेचैनी हो, आपको हर समय अपने डेली रूटीन को मैनेज करके रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। तो आप सोचिए, पिछले 10 साल से वो साल में सिर्फ 3 महीने काम करता है, 4 महीने काम करता है, उसके अलावा वो काम नहीं करता 8-9 महीने तक, तो उसको कितना इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है। तो आप देखिए, सोचिए, दवाई लेना ज्यादा फायदेमंद है या दवाई नहीं लेकर के 8 महीने घर में बिस्तर में पड़े रहना।